बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम वीवर, कैसे हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। तो वीवर, मैंने आपको पहले भी एक पार्ट दिखाया था, ये पार्ट दूसरे है, राम प्यारी का महल गुजरात। ये राम प्यारी का महल जो है बकाया, जो मैं लोकेशन थी दूसरे मंजिल के ऊपर, वो भी मैं आपको अभी दिखाने लगा हूँ, वीडियो देखिएगा। ये है मुजस्मा लोहार का, जो मुजस्मा बनाए हुए हैं और आगे शीशे लगे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। और ये मुजस्मा है लोहार कुम्हार का, जो के बर्तन बना रहा है, आगे शीशा लगा हुआ है, बिल्कुल तैयार जिस तरह बंदा बैठा हुआ है इस तरह का बिल्कुल बनाया हुआ है। आगे की भी लोकेशन मैं आपको दिखाने लगा हूँ। और इस महल के अंदर 40 कमरे हैं, 40 कमरों में तो घूम नहीं सकता, कोई खुले हैं कोई बंद हैं। जिस जिस कमरे में कोई चीज़ पड़ी होगी, सामान पड़ा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये अभी मैं आपको ये महल बैक साइड की तरफ से दिखाने लगा हूँ। फ्रंट साइड से तो मैंने दिखा दिया, अभी ये बैक साइड है। ये बैक साइड के ऊपर ये सोनी माईवाल का मुजस्मा बनाया हुआ है अंदर, ये सोनी माईवाल का मुजस्मा है। ये महल की बैक साइड है, ये नीचे भी आप कमरे देख सकते हैं, जो ऊपर से मैं आपको दिखाने लगा हूँ। नीचे से भी मैंने दिखाए हैं, ऊपर से भी मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये राम प्यारी महल का बैक साइड है, ये अंदर कमरे में हाल में ये तस्वीरें लगाए। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की तस्वीर है, साथ दूसरे मेजर हैं, मेजर शबीर हुसैन। तो ये अंदर कमरे में आप देख सकते हैं, ये ताले हैं पुराने वक्तों के, ये ताले, ये देखो किस किस्म के ताले हैं, ये पुराने वक्तों के ये ताले हैं। उस वक़्त ये ताले हुआ करते थे, जो कि आप अभी इस वीडियो में देख रहे हैं। और आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल दिलकश मानसरा से देख सकते हैं। ये पुरानी चीज़ें, कमरे में रोशनी कम होने की वजह से वीडियो साफ़ नहीं आ रही। कोई बर्तन ऐसे हैं जो कि आज के दौर के कोई बर्तन ऐसे हैं जो कि आज से तकरीबन कोई 100 साल से पुराने भी हैं। ये देखें, ये हैल है, जो पहले ट्रैक्टर की जगह ये हैल चलती थी। और ये चरहे पड़े हुए हैं, जो कि इसके ऊपर धागा वगैरह ये चीज़ें बनती थी पुराने वक्तों में। ये कुछ फर्नीचर पड़ा है, अभी मैं अंदर आ गया हूँ। ऊपर मंजिल में ये फ्रंट है, आगे दरवाज़ा लॉक किया हुआ है, मैं अंदर नहीं जा सकता। लेकिन चलो मैं कैमरा थोड़ा सा घुमाऊँगा, क्योंकि इतना अरसा गुजर गया, इधर आवाम का रश होता है, इसलिए ये दरवाज़ा बंद किया हुआ है। मैंने अभी कैमरा आगे किया है, ये महल का जो फ्रंट है वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये बैक साइड है महल की, अच्छा। तो व्यूअर, मैंने आप लोगों को महल की तमाम लोकेशन दिखाई, कमरे दिखाए, सामान दिखाया, ऊपर नीचे सब कुछ दिखा दिया। महल का जितने कमरे थे, सामान था, वो सब कुछ दिखा दिया। तो अब इस वीडियो का भी करेंगे अहतमाम। अगर आज की ये वीडियो राम प्यारी की, अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। और घंटी के बटन कॉल के ऊपर ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी लोकेशन के साथ। तो मुझे दें अब इजाज़त, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह नेकबान।